जी, तो ये कोर्स टाइटल इसका है वेक्टर एनालिसिस, तो एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर और एमएससी फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस कोर्स को स्टडी करते हैं। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ बुक्स रिकमेंड की हुई हैं, उनका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। सबसे पहली जो बुक है वो है शॉम सीरीज की है बुक वेक्टर एनालिसिस, शॉम्स आउटलाइन है। वेक्टर एनालिसिस के ऊपर और टेंसर के ऊपर बहुत अच्छी बुक है ये, इसके अंदर काफी सारी एक्सरसाइजेस भी हैं जी। सेकंड बुक जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर नवाजिश अली शाह की लिखी हुई है, पाकिस्तानी राइटर है। इस बुक के अंदर भी वेक्टर्स की काफी सारी एक्सरसाइजेस जो है वो दी हुई है। इसी तरह तीसरे नंबर पर जो बुक है वो मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिक्स, जीडब्ल्यू आर फुकन की लिखी हुई है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। वेक्टर के अलावा भी इसके अंदर काफी सारे और कंटेंट्स भी हैं, काफी सारी चीजें फिजिक्स से रिलेटेड भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये थ्री बुक्स मैंने रिकमेंड की हुई हैं, ग्रुप के अंदर मैंने ये बुक्स शेयर भी कर दी हैं। तो इनशाला इन्हीं बुक्स को फॉलो करते हुए हम इस कोर्स को पूरा करेंगे जी। आज का हमारा जो लेक्चर है ये वेक्टर एनालिसिस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसके अंदर हम वेक्टर्स की डेफिनेशन, वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज, वेक्टर्स की एडिशन की मेथडोलॉजीज, वेक्टर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ये टॉपिक्स इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेक्टर्स और स्केलर्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है स्केलर्स की। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड अ प्रॉपर यूनिट्स फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। जी, ऐसी ऐसी वो वाली तमाम मिकदारें जिनको आप मैग्नीट्यूड और एक यूनिट के जरिए से मुकम्मल तौर पर बयान कर सके, वो वाली क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। मतलब सिर्फ इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे मैग्नीट्यूड्स एंड अ प्रॉपर यूनिट्स। एक यूनिट होगा उसके लिए और एक मैग्नीट्यूड होगा। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, मास, टाइम एटसेट्रा, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज है। सिमिलरली वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, इनको भी मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और अ प्रॉपर यूनिट एक यूनिट की और डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटीज में तीन चीजों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड्स, यूनिट्स और डायरेक्शन, जबकि स्केलर के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट्स। तो इसका मतलब है कि स्केलर और वेक्टर्स के अंदर दो चीजें कॉमन है, मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट्स। इसकी एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, फोर्स एटसेट्रा, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, फिजिक्स के अंदर अब काफी सारी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनमें से कुछ वेक्टर्स हैं, कुछ स्केलर्स हैं। तो इनको अब तमाम को रट्टा लगा नहीं सकते हम कि ये वाली चीज स्केलर है, ये वाली चीज वेक्टर है। तो उसके लिए हम एक तरीकाकार इख्तियार कर लेते हैं कि अगर कोई भी चीज आप डेली रूटीन की है, डेली हमारी लाइफ के अंदर वो यूज होती है, अगर उसको डिस्क्राइब करते वक्त आप वो सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट का इस्तेमाल करें तो वो स्केलर होगी, और अगर उसके लिए डायरेक्शन को भी बयान करना पड़ जाए तो फिर वो वेक्टर होगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप बाजार के अंदर जाते हैं, मिसाल के तौर पे कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, तो अब उसकी जो मेजरमेंट है वो आप उसको इस तरह से बोलते हैं कि हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए। अब यहाँ पर आपने दो चीजें बताई हैं, एक तो आपने कहा जी 5
एक तो आपने बता दिया फाइव और दूसरे आपने साथ बता दिया मीटर, तो ये जो फाइव है ये उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक अददी कीमत होगी, एक नंबर की सूरत में दिया होगा, और जो यूनिट है वो एक लेटर की सूरत में है। अच्छा, जब आपने उसको कहा कि हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो अब आपने मुकम्मल तौर पर अपनी बात को बयान कर दी है, ठीक है। अगर आप मीटर साथ में ना यूज करें, सिर्फ उसको ये कहें कि मुझे 5 कपड़ा चाहिए, तो आपकी बात मुकम्मल नहीं होती। अगर आप सिर्फ उसको ये कहें कि मुझे मीटर कपड़ा चाहिए, फिर भी वो आपको 1 मीटर तो दे देगा, लेकिन आपको 5 की जरूरत, 5 मीटर की। तो इसका मतलब है कि सिर्फ अकेले यूनिट से भी नहीं बात बनती और सिर्फ मैग्नीट्यूड से भी बात नहीं बनती, दोनों का बयान करना जरूरी है। तो इसी तरह जैसे आप किराने वाले के पास चीनी लेने के लिए जाएं, तो आप उसको क्या बोलते हैं कि मुझे ऊपर की तरफ 5 किलो चीनी डाल दो। अब ये वो आपकी तरफ हैरत से देखेगा कि ऊपर से क्या मुराद, ठीक है। आप कपड़े वाले के पास जाते, उसे कहते हैं मुझे दाएं तरफ 5 मीटर कपड़ा काट दे। अब ये दाएं तरफ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये सारी की सारी डायरेक्शंस है। तो इसका मतलब है कि मैथ की पैमाइश करते वक्त आप डायरेक्शन को नहीं यूज कर सकते, ये स्केलर है। इसी तरह अगर आपसे टाइम पूछा जाता है, तो आप ये कहें कि ऊपर की तरफ 2 बज चुके हैं, तो ये एक ऑकवर्ड से लगता है कि आप टाइम के साथ डायरेक्शन क्यों मेंशन कर रहे हैं। तो हम डेली लाइफ के अंदर टाइम बताने के लिए डायरेक्शन यूज नहीं करते, तो टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जैसे मिसाल के तौर पर एक टेबल पड़ा हुआ है, और आप कहते हैं जी इस टेबल के ऊपर दाएं तरफ से 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो ये हमारी बात दुरुस्त है। तो इसका मतलब है कि फोर्स को बयान करने के लिए आप डायरेक्शन को बयान कर सकते हैं, डायरेक्शन साथ बताते हैं, तो इसीलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह आप कहते हैं कि एक गाड़ी 100 की वेलोसिटी से मशरिक की तरफ जा रही है, तो आपने डायरेक्शन तो यूज कर ली, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से कोई भी आपसे डेली लाइफ की कोई भी चीज पूछी जाती है, आप अगर उसके लिए डायरेक्शन यूज कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर है। अगर उसके लिए डायरेक्शन यूज नहीं होती, तो इट मींस वो स्केलर है। तो ये तो एक मैंने आम सी आपको सादा सी पहचान बता दी है कि कोई भी क्वांटिटी हो तो उसको आप पहचान सकते हैं, वो वेक्टर है या स्केलर है। जी, नेक्स्ट आपके पास है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, एक सिंबल के जरिए वेक्टर को कैसे जाहिर करते हैं। तो एनालिटिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस करेक्टर्स या अ बोल्ड फेस लेटर। मतलब एक लेटर लेते हैं, उसे बोल्ड फेस का मतलब होता है उसको थोड़ा सा मोटा करके लिख दिया जाता है। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन अब पेपर में लिखते वक्त बार बार उसको बोल्ड करना ये हमारे लिए टफ होता है, इसलिए एक दूसरा तरीकेकार भी बता दिया गया कि एनालिटिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर विद एन एरो ओवर इट, इसके ऊपर एक तीर का निशान लगा दिया जाता है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के ये दो तरीके हैं, बास बुक्स के अंदर उसको बोल्ड करके लिखा जाता है और बास बुक्स के अंदर उसके ऊपर एरो लगा दिया जाता है। तो दोनों तरीकों से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, इसको एक सीधी लाइन से जाहिर किया जाता है विद एन एरो, जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है। The starting point of this line is called tail of vector. ये जो इसका starting point है, इसको tail कहा जाता है। The ending point of this line is called head of vector. ये जो इसका ending point है, इसको हम head of vector बोलते हैं। अच्छा, ये जो आपने straight line use की है, ये आपको 2 informations देती है। मतलब vector है, तो vector के लिए magnitude और direction ये दो चीजें लाजिम और मलजूम है। तो एक दी हुई लाइन से आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं। लेंथ ऑफ दिस लाइन गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये जो लाइन जो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड होगा। तो ये बात अब आपने याद रखनी है कि वेक्टर की जो लेंथ होती है ना, वो मैग्नीट्यूड होता है। दूसरे लफ्जों में मैग्नीट्यूड से क्या मुराद, लेंथ ऑफ द वेक्टर। सिमिलरली एरो हेड ऑफ दिस लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये जो
तीर का निशान लगा हुआ होता है आगे, ये उस वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। तो इस स्ट्रेट लाइन से दो चीजें आप अखज करते हैं, इसकी जो लेंथ होती है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो एरो हेड होता है वो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फर्दर आपके पास एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर। एक्सियोमेटिक से क्या मुराद होता है? एक्सियम, एक्सियम का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, मतलब आपने कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन की होती हैं और वो चीज जिसको आप डिफाइन करना चाहते हैं वो उन एक्सियम्स को या उन प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाई कर दी जाए करती हो तो फिर आप वो स्पेसिफिक जो चीज आपने बनाई हुई है उसको वो वाला नाम दे देते हैं। जैसे वेक्टर की जो एक्सियोमेटिक डेफिनेशन है, अब वेक्टर इज अ ट्रिपल। जब आप मखसूस वे में इस तरह से कोई नंबर्स लिख देते हैं, जैसे ए और बी मैंने लिखा, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। इस तरह से जो लिखा हुआ होता है उसको हम ऑर्डर पेयर का नाम देते हैं। लेकिन अगर आप थ्री नंबर्स यूज करते हैं ए बी और सी तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपल। जी ये कहलाता है ऑर्डर ट्रिपल। तो अब वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैंने एक ऑर्डर ट्रिपल ले लिया, इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग एक्सियम्स। अब इसमें फर्स्ट एक्सियम ये है कि टू वेक्टर्स आर इक्वल, दो वेक्टर्स जो है वो उसी सूरत में बराबर होंगे जब उनके फर्स्ट नंबर्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो, ए वन और बी वन इक्वल हो। इसी तरह उनके जो सेकंड नंबर्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो, ए टू इज इक्वल टू बी टू। इसी तरह उनके जो थर्ड नंबर्स हैं ए थ्री और बी थ्री, ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर का मतलब ये होता है कि कोई भी स्केलर नंबर को अगर आप उस ऑर्डर ट्रिपल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन तमाम के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाए। तीसरी और आखिरी बात ये है कि सम ऑफ वेक्टर्स, अगर आप टू वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो पहला नंबर पहले नंबर में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा और तीसरा तीसरे में ऐड होगा। लो जी, जो ऑर्डर ट्रिपल इन थ्री प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए उनको आप वेक्टर्स का नाम देते हैं। जैसे नीचे मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, ए और बी आपके पास टू वेक्टर्स हैं, तो इनको अगर आपने टू ए मालूम करना हो तो ए के तीनों एलिमेंट्स को आप टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टू फोर सिक्स बन जाएंगे। इसी तरह ए और बी का अगर आप सम निकालना चाहते हैं तो इस वन को आपने जीरो में ऐड कर दिया, टू को आपने वन में ऐड कर दिया और थ्री को आपने माइनस वन में ऐड कर दिया तो आपको रिजल्ट मिला वन थ्री और टू। नेक्स्ट आपके पास है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर्स। ये जो नंबर्स आपने लिखे हुए हैं फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, इन तीनों नंबर्स को इस वेक्टर ए के कंपोनेंट्स का नाम दिया जाता है। ये थी आपके पास एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट आपके पास है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि वी कैन नॉट ऐड वेक्टर्स बाय ऑर्डिनरी एडिशन। ऐसा क्यों है? बिकॉज वेक्टर्स हैव डायरेक्शन। जैसे आप नंबर्स को जमा करते हैं ना, टू प्लस थ्री, तो नंबर्स को आप ऐड करते हैं, टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, ये एडिशन का ऑर्डिनरी तरीका कहलाता है, आम तरीकेकार। तो इस तरीके से आप वेक्टर्स को जमा नहीं कर सकते, उसकी वजह क्या है कि वेक्टर्स हैव डायरेक्शन। तो वेक्टर्स को जमा करने के दो तरीके आपके पास हैं, देयर आर टू मेथड्स टू ऐड वेक्टर्स। पहला तरीका आपके पास है हेड टू टेल रूल। तो टू नंबर और टू वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ये जो हेड टू टेल रूल है इसका दूसरा नाम आप रख देते हैं ट्राई एंगुलर रूल। जी ये इसका दूसरा नाम है ट्राई एंगुलर रूल। तो इसके दोनों नाम आप याद रखें। इसके अंदर इसका तरीकेकार क्या होता है, टू फाइंड सम ए प्लस बी ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी।
join the head of first vector A to the tail of second vector B and obtain the resultant A plus B. Join the tail of first vector A to the head of second vector B. मतलब जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक वेक्टर A है, ये एक दूसरा वेक्टर B है. इन दोनों को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहां से A जो है A वेक्टर, इसको हम पिक करते हैं, इसका जो हेड है A का हेड, फर्स्ट वेक्टर का हेड, इसको आप B की टेल के साथ मिला देते हैं तो ये वेक्टर्स ऐड हो गए. अब रिजल्टेंट निकालने का तरीका ये है, फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर या लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देते हैं तो ये आपको रिजल्टेंट मिल जाता है A प्लस B. तो वेक्टर्स को ये ऐड करने का जो तरीकेकार है इसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं. इसका नाम हेड टू टेल रूल इसलिए है कि हम इसमें एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन करते हैं, उसको मिला देते हैं. अब जब आपने ये दो वेक्टर्स को ऐड किया है तो ये ट्राइंगल की शेप बन गई है, इसीलिए इस मेथड का नाम जो है वो ट्राइंगुलर रूल भी रखा गया जी. इसी तरह दूसरा तरीकेकार जो है वेक्टर्स को ऐड करने का, इसको कहते हैं पैरालेलोग्राम लॉ. इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड मेक अ पैरालेलोग्राम विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी एज एडजेसेंट साइड्स. तो आपने करना क्या है कि ये वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, तो ये बिल्कुल ए को उठाकर हमने यहाँ पर रखा और ये बी जो वेक्टर है ये यहाँ पे. अब फिर हमने ए को डिस्प्लेस करते हुए ए को यहाँ पर ले आए और बी को डिस्प्लेस करते हुए यहाँ पर ले आए, तो ये एक किस्म की पैरेललोग्राम बन गई है. देन द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट ऑफ टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स, ये इन दोनों वेक्टर्स ए और बी की टेल से स्टार्ट होता है और इन दोनों वेक्टर्स के जो हेड है वहां पे ये वेक्टर एंड हो जाता है, तो ये ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर होगा. अच्छा, ये पैरेललोग्राम लॉ कहलाता है. इसको याद रखने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि एक वेक्टर आपके पास है सी, ये कोई भी वेक्टर है, आपने एक दूसरा वेक्टर ले लिया डी, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा सी और डी का, वो हमेशा इनके दरमियान लाई करेगा यहां पे ऐसे, ठीक है. तो ये आपके पास जो वेक्टर है ये डी प्लस सी वेक्टर है, ये सी प्लस डी कर ले, तो ये बात अब याद रख लें कि ये दूसरा तरीकेकार है पैरेललोग्राम ला, कि कोई भी वेक्टर्स ए और सी होंगे, डी और सी, इनको आप टेल्स को मिला दें तो इन टेल्स के दरमियान से एक वेक्टर निकलेगा जो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा. अच्छा, अब यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट. फर्ज कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. ए और बी दो वेक्टर्स हैं और उनके दरमियान एंगल जो है वो आपके पास थीटा है. देन वी हैव टू फाइंड देयर रिजल्टेंट. जी यहां पर अब आप देखें कि ये वेक्टर मैंने ए लिया, ये वेक्टर मैंने बी लिख लिया, ये ए नहीं है, यहाँ पे भी बी आता है वेक्टर, ये बी वेक्टर है. अब ये पैरेललोग्राम बन चुकी है, मैं इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए एक पॉइंट आर यहाँ पे चूज करता हूं और इस क्यू को इस आर से मिला दिया और फिर इस आर को इस पी से मिला दिया. इस तरीके से ये जो ट्राइंगल है ओ से स्टार्ट होके आर और पी को शामिल करते हुए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल पर आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं जी. इस पे पैथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो उसका तरीका ये होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर. अब हाइपोटेनियस ये वाला है ओ से लेकर पी तक और बेस का स्क्वायर, बेस अब यहां से स्टार्ट होकर ओ से लेकर ये आर तक, ये सारी इसकी बेस है और इसी तरह आर से पी तक, ठीक है, ये आर से पी तक गए, ये आपके पास इसका अल्टीट्यूड आ गया इस ट्राइंगल का. अब अगर आपने O से R तक जाना होगा
तो यहां तक जो लेंथ है ओ से क्यू तक वो आपके पास ए है। उसके बाद ये मैंने बी के ना दो कंपोनेंट्स बना लिए, बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा। तो ये एंगल सपोज जितना ये एंगल होगा थीटा उतना ही आपके पास ये एंगल थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम है, ये भी बी है और ये भी बी है। तो बी जो वेक्टर है वो हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, इसीलिए यहां पर भी बी का हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा ही होगा। तो एंगल के सामने बी साइन थीटा बन जाएगा और एंगल के साथ बी कॉस थीटा बन जाएगा। तो इस तरीके से ओ आर की वैल्यू बन गई ए प्लस बी कॉस थीटा, और जो आल्टीट्यूड है वो बी साइन थीटा है। इस स्क्वेयर को ओपन करके तो ये आपके पास इस तरह का रिजल्ट बन जाता है। ओपन अगर आप इसको करेंगे तो फर्स्ट टर्म ए स्क्वेयर बन जाएगी, उसके बाद आगे आ जाएगा बी स्क्वेयर और साथ में कॉस स्क्वेयर भी आएगा और साथ में फिर आप 2ab कॉस थीटा भी लिखेंगे। ठीक है, ये स्क्वेयर मैंने ओपन कर दिया है। और साथ में नेक्स्ट टर्म आपके पास है बी स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा। अब ये जो बी स्क्वेयर और कॉस स्क्वेयर है और बी स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर, इन दोनों में से बी स्क्वेयर कॉमन निकाल लें तो कॉस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर जब वो 1 बन जाता है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये जनरल आपके पास कोई भी दुनिया जहान के कोई भी दो वेक्टर्स हैं तो उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकेकार है। इसी तरह अगर आप इस रिजल्टेंट का एक्स के साथ एंगल मालूम करना चाहते हैं हॉरिजेंटल के साथ, तो फर्ज कर लें कि ये इसका एंगल एल्फ है, तो टेंजेंट एल्फा बन जाएगा आल्टीट्यूड ओवर बेस। तो आल्टीट्यूड आपके पास बी साइन थीटा और बेस आपके पास ए प्लस बी कॉस थीटा है। तो यहां से ये एंगल जो है रिजल्टेंट का एंगल ये निकल आता है जी। अब इसके कुछ हमारे पास स्पेशल केसेस भी हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ए और बी ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, मतलब इस तरीके के हैं कि ये ए वेक्टर है और इसी तरह दूसरा वेक्टर मैंने सपोज कर लिया कि ये बी वेक्टर है। अब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो इसीलिए एंगल जो है वो जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे 2ab के साथ जो कॉस थीटा था वो कॉस जीरो कर देंगे तो कॉस जीरो 1 होता है, 2ab बन जाता है। इसका स्क्वेयर कंप्लीट करेंगे ए प्लस बी का स्क्वेयर, वो जजर के साथ कट जाएगा तो आपके पास ए प्लस बी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालना चाहते हैं रिजल्टेंट का, तो वो उन दोनों की लंबाइयों को जमा करना पड़ेगा। उन दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं उनका जो सम होगा वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मसलन मैं आपको कहता हूं कि टू वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, इनका रिजल्टेंट कितना निकल आएगा? तो आप ये बताएंगे कि 2 + 3 उसका रिजल्टेंट होगा, मतलब वो 5 आ जाएगा। ये काम आपने तब करना है जब दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल वेक्टर्स होंगे। सेकंड केस में आप ये कह रहे हैं कि वेक्टर ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, मतलब ए वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है और जो बी वेक्टर है वो इसकी ओपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से ये आपके पास बी वेक्टर है। तो एंटी पैरेलल का मतलब होता है कि एंगल इनके दरमियान जो है वो 180 है, तो कॉस 180 माइनस 1 होता है, इसीलिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab बन जाएगा। तो इस स्क्वेयर को बंद करेंगे आप, ए माइनस बी का स्क्वेयर बनेगा, वो ए माइनस बी के इक्वल आ जाए जी। उसके बाद तीसरा केस है कि इफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से मुराद उनके दरमियान एंगल 90 होगा। तो मान लें कि ए इस तरह से है और ये आपके पास बी है, तो इस सूरत में जब वेक्टर्स होंगे तो फिर एंगल 90 रखेंगे तो कॉस 90 जीरो होता है, इसीलिए थर्ड टर्म जीरो हो जाएगी, तो जस्ट आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आ जाएगा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, उसके लिए जनरली हम ये रूल इस्तेमाल करते हैं।
कि जब भी आपने किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आप क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला हम आमतौर पर यूज करते हैं, लेकिन याद रखें कि ये उस वक्त यूज होता है जब ए और बी दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि नोट नीचे मैंने लिखा हुआ है, इफ आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर इज ए प्लस बी एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इज ए माइनस बी। मतलब इसका ये है कि आपको कोई भी दो वेक्टर्स दे दिए जाते हैं, कोई भी दुनिया जहान के कोई भी दो वेक्टर्स है, उनका सम जो है ना, उनका जो रिजल्टेंट है उसका ज्यादा से ज्यादा मैग्नीट्यूड जो है वो इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और कम से कम वो कितना, लीस्ट कितना निकलेगा, उन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है, वो उसकी मिनिमम वैल्यू है, इससे कम नहीं हो सकता। और जब ये 0 और 180 की बात हो रही है, मतलब जब एंगल 0 डिग्री होगा, पैरेलल वेक्टर्स होंगे, उस वक्त आपको मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा रिजल्टेंट का। और अगर एंगल आपके पास 180 होगा, उस सूरत में रिजल्टेंट का मिनिमम निकलेगा। बाकी सारे जो एंगल्स है 0 और 180 तक, उन तमाम एंगल्स पर जो वैल्यूज आपको मिलेंगी रिजल्टेंट की, वो उस मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान मिलेंगी, उनसे आउट आपको नहीं मिलेंगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि एक क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। अब इसकी मैक्सिमम अगर आप वैल्यू निकालते हैं 3 और 5 की, वो 8 निकलता है। और अगर इनकी मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ, ये गलती से लिखा हुआ है, मिनिमम है ये, तो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो इनका डिफरेंस 2 न्यूटन बन जाता है। तो अब इसमें आप देखें 1 न्यूटन, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू से कम है। इसी तरह ये 12 न्यूटन है तो ये मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है, ये भी मुमकिन नहीं है। तो ये जो 4 न्यूटन है ना, ये 8 और 2 के दरमियान है, मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान है, दिस इज द ट्रू वैल्यू। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको कोई भी दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बताकर पूछा जाता है कि इनका जो पॉसिबल रिजल्ट है वो कितने है, तो आप उसकी मैक्सिमम निकालेंगे, उसकी मिनिमम निकालेंगे। तो पॉसिबल रिजल्ट इस मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान लाई करता होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। फर्दर आपके पास एक और क्वेश्चन है कि द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0 रिजल्टेंट इज। मतलब आपके पास वेक्टर्स कम से कम कितनी तादाद होगी जिनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो और वो आपको 0 रिजल्टेंट दे। जी अब आप मान लें कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, साथ में प्लस 2ab लिखें और कॉस थीटा भी लिखें। रिजल्टेंट आपका 0 उसी सूरत में बनेगा जब a और b का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये बात तो उसने बता दी है, a और b का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो इधर भी ए स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी ए स्क्वायर आएगा और यहां पर 2a² बन जाएगा और साथ में cos थीटा है। जी बल्कि मैग्नीट्यूड उसने नहीं पूछा हुआ, रिजल्टेंट का पूछा है। तो ये आपके पास इस तरह के वेक्टर्स आ जाए, a आ जाए और इसका जो नेगेटिव वेक्टर है वो इस तरीके से आ जाए, ये माइनस ए है। तो इन वेक्टर्स को अगर आप जमा कर देंगे तो ए माइनस ए, ये रिजल्टेंट आपको 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि मिनिमम जो नंबर के वेक्टर्स हैं जिनका जिनका आपस में मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है।
दो से कम तो फिर एक ही वेक्टर रह जाएगा, तो फिर सम करने के लिए आपको दो वेक्टर्स की जरूरत है। इसी तरह तीसरा सवाल ये है कि द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर नहीं होना चाहिए तो रिजल्टेंट वो आपको जीरो दे। अब यहाँ पर ऊपर हमने देखा कि अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो वो दो होते हैं, लेकिन अगर उनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो फिर वो तादाद में तीन होंगे और इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, एक ट्राइंगल की साइड्स के अलोंग वो एक्ट करेंगे तो फिर इनका जो तीनों का सम जो है वो आपके पास जीरो निकल आएगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो फिर उनकी तादाद तीन होगी, जब वो जमा होकर आपको रिजल्टेंट जो है वो जीरो दे देगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि कंसीडर टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है और उनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी उनमें से किसी एक के बराबर है, तो देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज, आपने एंगल बताने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये होता है। अब इनका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसने ये बात की है कि दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है और फिर रिजल्टेंट का भी इनके बराबर है, इसलिए आर की जगह भी ए रिप्लेस कर दिया और बी की जगह भी ए रिप्लेस कर दिया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो यहां से ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कट जाएगा, इस ए स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले गए, ये टू ए स्क्वायर इधर आकर डिवाइड होगा तो माइनस एक बटा दो बनेगा, एंगल निकालेंगे तो ये 120 निकल आए, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका मतलब है कि ये सिचुएशन कुछ यूं बनेगी कि एक वेक्टर इस तरह से हो, इसका एंगल हो गया जीरो, और अब इनके दरमियान जो आपके पास बनेगा इस तरह से 120 का एंगल बनना चाहिए, ये एंगल 120 डिग्री होगा, तो इनका जो रिजल्टेंट है यहां पर बनेगा, फिर इनका रिजल्टेंट भी मैग्नीट्यूड में इन दोनों के आपस में बराबर होगा। जी नेक्स्ट आपके पास है हेड टू टेल एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। तो ये वही तरीकाकार है कि आप एक वेक्टर चूज कर ले, उसके हेड को इसके टेल से मिलाएं, फिर अगले के इसके हेड को अगले की टेल से मिलाएं, इसके हेड को अगले की टेल से, तो इस तरीके से, और फिर जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल को आप लास्ट वेक्टर के हेड से मिला दें तो ये आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो ये रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। तो इसका मतलब है हेड टू टेल रूल के जरिए ना सिर्फ दो बल्कि दो से ज्यादा वेक्टर्स को भी जमा कर सकते हैं आप, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अच्छा ये जूम के ऊपर ना 40 मिनट का सेशन होता है तो अभी ये खत्म होने वाला है, तो जैसे ही ये खत्म होगा आपने दोबारा से उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको अगेन से ज्वाइन कर लेना। जी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स।